दोस्तों आज मैं बनारसी साड़ी को ड्राई वॉश करूंगा। दोस्तों बनारसी साड़ी को दोस्तों पेट्रोल में भी धोया जाता है, व्हाइट पेट्रोल में भी धोया जाता है दोस्तों, टारपिन का तेल में भी धोया जाता है, केरोसिन का तेल में भी धोया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं केरोसिन तेल में धोऊंगा, वॉश करूंगा इसको दोस्तों, और इसको दोस्तों मैं वॉशिंग पाउडर में धोऊंगा, और इसको दोस्तों शैम्पू की सहायता से वॉश करूंगा। तीनों दोस्तों तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसमें दोस्तों कुछ सावधानियां हैं, इस सावधानी के साथ वॉश करना है दोस्तों। और दोस्तों ऑयल में वॉश करने से दोस्तों सावधानी से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पानी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, सावधानी से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम सावधानी के साथ बनारसी साड़ी यूज़ करते हैं, जैसे आग उग नहीं लगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग घर में ट्राई ना करें, कुछ हादसा हो सकता है। और दोस्तों ऐसे नॉर्मल वॉश जो हम बताएंगे दोस्तों, वॉशिंग पाउडर और लिक्विड से दोस्तों, शैम्पू से दोस्तों हम धोएंगे, वो तरीका आप दोस्तों घर पर कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर और शैम्पू से धो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप कौन साड़ी धोइएगा दोस्तों, जो अभी का मॉडल का है और जो पुराना ज़माना का है, मान के चलिए कि 20 साल 25 साल 10 साल पुराना बनारसी साड़ी को दोस्तों आप पानी में या लिक्विड में वॉशिंग पाउडर में ना धोएं दोस्तों, ख़राब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों ड्राई वॉश दिखाएंगे साड़ी को दोस्तों, इसको आज केरोसिन तेल में धो के दिखाएंगे। इसको दोस्तों पेट्रोल में भी धोया जाएगा, लेकिन आज मैं आपको केरोसिन तेल में धो के बता रहा हूँ दोस्तों, पेट्रोल में धो के नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपका दोस्तों को पता चले दोस्तों ड्राई वॉश कैसे होता है, केरोसिन तेल में साड़ी कैसे वॉश किया जाता है, ये वीडियो देख पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों देर किए बिना हम दोस्तों तीनों साड़ी को अलग अलग प्रोसेस से वॉश करके आपको बताएंगे, तीनों बनारसी है। चलिए दोस्तों देर किस बात की, फटाफट हम आज साड़ी को ड्राई वॉश करेंगे, बनारसी साड़ी ड्राई वॉश कैसे होता है। पहले देखिए दोस्तों, साड़ी का पार ले लिए हैं, ये पार में मैल वगैरह है और उल्टा साइड में पल्स लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पल्स पार है और पार में पूरे पार में मैल है, देखिए हल्का हल्का काला हो गया दोस्तों। इसके ऊपर हम केरोसिन तेल देंगे दोस्तों, केरोसिन ऑयल देके हल्का हल्का घसेंगे, तब इसका मैल वगैरह झड़ जाएगा। ये देखिए केरोसिन तेल से हल्का हल्का भिंगा देते हैं पूरे पार को, पार को भिंगा लेने के बाद धीरे धीरे घसना पड़ेगा। चलिए दोस्तों घसते जाते हैं और इसका मैल दोस्तों क्लीन हो जाएगा, और बाल्टी में देखिएगा वो केरोसिन ऑयल दोस्तों काला होके जम जाएगा। ये देखिए दोस्तों काला होके जमते जाता है। इसी तरह से दोस्तों पूरे पार को घस लेने के बाद तेल में घसा हो गया। अब दोस्तों पूरे बनारसी साड़ी को तेल में डुबो देते हैं। चलिए दोस्तों 2 लीटर केरोसिन ऑयल ले लिए हैं, अब इसको दोस्तों इसमें साड़ी को पूरे साड़ी को भिंगा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें तेल में धो लिए हैं, अब इसको मशीन में इसका दोस्तों ऑयल निकाल लेते हैं, तेल झाड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बाल्टी में तेल सब जा रहा है, ये तेल का रंग देखिए दोस्तों कैसा हो गया है, काला टाइप का हो गया है देखिए। अब दोस्तों ये इसका तेल वगैरह हम झाड़ लिए हैं, देख लीजिए दोस्तों हमने बनारसी साड़ी को केरोसिन तेल में धो लिया है। अब दोस्तों इसको धूप में देते हैं, धूप में हम दोस्तों आधा घंटा देंगे, इसका दोस्तों केरोसिन तेल का जो बदबू है वो चला जाएगा, और इसका साड़ी में दोस्तों शाइनिंग आ गया है, ग्लेजिंग आ गया है। इसको आयरन नहीं भी करने से चलेगा दोस्तों, पॉलिश नहीं भी करने से ऐसे भी पहना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसको हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, आइए दोस्तों नज़दीक से देखिए, देख लीजिए दोस्तों क्या चमक है साड़ी में, तेल का एक भी दाग नहीं है, पार में मैल था क्लीन हो गया है दोस्तों, पार एकदम चकाचक हो गया है, देख लीजिए इधर से भी देख लीजिए दोस्तों, दोनों तरफ से दिखा देते हैं आप, आइए दोस्तों इधर भी देखिए साड़ी मेरा चकाचक हो गया है दोस्तों, पूरा ग्लेज मार रहा है साड़ी में, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों बनारसी साड़ी को हमने केरोसिन ऑयल में धो लिया है, अब दोस्तों हम शैम्पू और वॉशिंग पाउडर में धोएंगे दो बनारसी। चलिए दोस्तों समय बिना कमाए हम वॉश का काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों दूसरा बनारसी साड़ी ले लिए हैं, इसका पार में मैल है, तो अब आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये देखिए पार में बहुत सारा मैल लगा हुआ है, ये फॉल्स पार है, उल्टा साइड में भी है, इधर से भी है, पूरे पार में दोस्तों मैल है। तो पार को हम क्लीन करेंगे, देखिए काला काला हो गया है, इसको क्लीन कर लेंगे दोस्तों। तो हम लेंगे सबसे पहले शैम्पू, चलिए दोस्तों शैम्पू ले लेते हैं, हम ये शैम्पू लेते हैं, आपके पास जो शैम्पू है ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए शैम्पू ले लेना है, बाल्टी में घुलने में दिक्कत होता है, तो हाथों में दोस्तों इस तरह का ले करके इस तरह का फैला लें, तो ये दोस्तों जल्दी घुल जाएगा। चलिए दोस्तों इसको जल्दी से घोल लेते हैं, ये देखिए दोस्तों मिल गया,
अब इसका पार को हम भिंगा देते हैं, भिंगा करके दो चार मिनट छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, दो चार मिनट हो गया है, अब दोस्तों इसको बाहर निकाल लेना, इस तरह से फैला लेना नीचे में। फैलाने के बाद दोस्तों फिर से शैम्पू लेते हैं। शैम्पू लेने के बाद दोस्तों इसका पार में थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, इस तरह से दे देना है और इसको इस तरह से फैला देना है। ठीक है दोस्तों, देने के बाद आपको ब्रश लेना है, ब्रश से दोस्तों धीरे धीरे घस देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता घसना है दोस्तों, हम वीडियो को फास्ट कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि आपको बोरिंग फील ना हो। देखिए दोस्तों ये हो गया, अब दोस्तों पूरे साड़ी को हम दोस्तों शैम्पू का पानी में डुबो देते हैं। चलिए दोस्तों अब दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं, फ्रेश पानी में खंगा लेंगे, रख देते हैं। अब दोस्तों हम ले लेते हैं ये वाला वॉशिंग पाउडर में जिसको धोएंगे वो वाला ले लेते हैं, इसका पानी फेंक देते हैं। ये देखिए दोस्तों बाल्टी में पानी ले लिए हैं, इसमें वॉशिंग पाउडर दे देते हैं। आपके पास जो भी वॉशिंग पाउडर है आप ले सकते हैं, हम ये वाला ले लिए, वॉशिंग पाउडर को घोल दिए हैं। अब दोस्तों साड़ी लेते हैं, चलिए ये देखिए दोस्तों साड़ी ले लेते हैं, इसका पार वाला हिस्सा को भिजाएंगे, जो पार नीचे की तरफ रहता है। ये देखिए दोस्तों इसमें फॉल्स लगा हुआ है, यानी ये नीचे की तरफ रहता है, ये देखिए इसमें फॉल्स लगा हुआ है, एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें। चलिए दोस्तों ये मैल है पार नीचे की तरफ, इसको हम भिंगा लेते हैं। इसको दोस्तों अच्छी तरह से बाल्टी में इसका पार को पहले हम भिंगा लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों भिंगा लिए, अब चलिए दोस्तों इसको धो लेते हैं। इसको अब दोस्तों यहाँ नीचे में अच्छी तरह से फैला लें, फैला लेने के बाद दोस्तों हम इसके ऊपर देंगे कपड़ा धोने वाला साबुन। ये देखिए दोस्तों कपड़ा धोने वाला साबुन ले लिए, इसके ऊपर घस देते हैं और दोस्तों ब्रश से धीरे धीरे घसना है, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते घसना है। देखिए इस तरह से इसका मैल वगैरह सब क्लीन हो जाएगा। देखिए इसी तरह से दोस्तों साबुन देना है, इधर भी देना है, इधर भी हल्का साबुन दे देना है और दोनों तरफ हल्का हल्का घस देना है। अब ये इसको दोस्तों हम वॉशिंग पाउडर का घोल में डुबो देते हैं। अब दोस्तों हो गया ये, अब चलिए दोस्तों फ्रेश पानी में इसको खंगाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको फ्रेश पानी में अब खंगाल रहे हैं, इसको दोस्तों हम शैम्पू से धोए थे, अब खंगाल रहे हैं। एक पानी से हो गया दोस्तों, अब एक पानी से दोस्तों इसको भी खंगाल लेते हैं। वॉशिंग पाउडर वाला बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी दोस्तों वॉशिंग पाउडर में हम इसको धोए, अब खंगाल रहे, इसको भी एक पानी से खंगाल लिए। अब दोस्तों पानी फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों अब दूसरा बार इसको फ्रेश पानी में इसको खंगाल रहे हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया है, अब इसको रख देते हैं, अब दूसरा साड़ी लेते हैं दोस्तों, हम खंगाल लेते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों ये भी हो गया, निकाल लेते हैं बाहर। देखिए दोस्तों पानी झर रहा है, इसको भी सूखने दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों फाइनली हम तीनों साड़ी को दोस्तों तीन तरीका दोस्तों बता दिए हैं। एक को दोस्तों हम ये दोस्तों एक को शैम्पू यूज किए और एक को दोस्तों वॉशिंग पाउडर और एक को दोस्तों केरोसिन ऑयल यूज किए हैं। अब दोस्तों ड्राई वॉश कैसे होता है आप लोगों को आसान तरीका बता दिए दोस्तों। हम लोग दोस्तों इसी तरह से ड्राई वॉश करते हैं, कस्टमर जितना रुपया देता है उसी हिसाब से दोस्तों हम मटेरियल यूज करते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा रुपया देता है उसके लिए हम केरोसिन या पेट्रोल यूज करते हैं, जो दोस्तों मीडियम रुपया देता है उसके लिए हम दामी से दामी लिक्विड या शैम्पू यूज करते हैं, और जो दोस्तों कम से कम रुपया देता है दोस्तों उसके लिए हम वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ड्राई क्लीन का सच्चाई आज आप लोगों को बता दिए दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहता है सर ड्राई वॉश कैसे होता है, व्हाट इज ड्राई वॉश। देख लीजिए दोस्तों ड्राई वॉश आपके सामने में है, ये कोई लुका छिपी नहीं है दोस्तों, जो है सच है आपके सामने मैं दिखा दिया। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको दोस्तों को पता चले जो ड्राई वॉश कैसे होता है, पेट्रोल वॉश कैसे होता है, किरासन तेल में वॉश कैसे होता है। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद जय भारत।